मार्केट ओपन होने के कुछ देर बाद किस तरह की कोई रिकवरी या कोई रिस्पाइट रैली देखने को मिलती है, रिस्पाइट बाउंस देखने को मिलता है, ये जरूर वॉच आउट करना पड़ेगा। सो मार्केट ओपन्स एंड ओपन्स विद अ नेगेटिव बायस एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर जो गैप डाउन आप देख रहे हैं वो 90 ऑड पॉइंट्स का है, क्या ये कवर हो जाएगा? थोड़ा सा तो कवर होते हुए दिखाई दे रहा है। 8573 यानी 15700 के ऊपर बाउंस हो गया है बाजार, और बैंक निफ्टी यहाँ पर 33200 के पास, तो 33000 के नीचे अगर फिसलता है तो ये बियर टेरिटरी है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए तो लगातार हम कह रहे हैं कि 15700 का सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे की रेंज 15400-500 तक ओपन हो जाती है। देख लेते हैं क्विकली कौन कहां से सबसे पहले ड्रैगर्स निकल कर, लेकिन बाजार में थोड़ी रिकवरी खुलने के साथ आ भी रही है। सबसे पहले आपको जो वीक काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें आपको आईटी काउंटर्स आज फिर से दिखाई दे रहे हैं। पहले पांच स्पेस की बात, पहले पांच स्टॉक्स में तीन पहले नाम आपको बड़े लार्ज कैप आईटी के ही दिखेंगे, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, तीनों के तीनों स्टॉक्स आपको 1.5 से 2% तक की वीकनेस के साथ कारोबार करते हुए, इनफैक्ट विप्रो भी। तो पहले पांच स्टॉक्स में तो आपके चार स्टॉक्स सिर्फ आईटी पैक से ही हैं। एशियन पेंट्स लगभग 1.5% की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। अब मार्केट और रिकवर हुई है, 15740 के पास आपको निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अब लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। सो बैंक्स में देख लेते हैं कहां वीकनेस है। ऐसा बैंक तो आईटी तो क्लियरली आज भी आपको बड़ा ड्रैगर निकल कर आ रहा है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक यहां से हाफ परसेंट टू 1% की वीकनेस दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी कल ये स्टॉक लगातार ऑटो स्टॉक्स और मारुति स्पेशली एक रेजिलेंस दिखा रहा था, लेकिन आज अब आपको फिर से 0.5% की यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है, अगर यहां से थोड़ा सपोर्ट होता है तो बाजार में ऑफकोर्स इंडेक्स को एक सपोर्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा भारती एयरटेल दो, अगर यहाँ ड्रैगर्स की बात हो रही थी, अभी हम जो टेलीकॉम्स की बात भी कर रहे थे, तो मूवर्स में आपको सबसे बड़ी जो मूव्स दिख रही है, इनफैक्ट जो बड़ा इस वक्त जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो भारती एयरटेल ही दिखा रहा है। जो हम लगातार अभी बात भी कर रहे थे कि टेलीकॉम स्पेस एक रब ऑफ पूरे स्पेस पे दिखेगा, भारती एयरटेल पर दिखेगा। रिलायंस जियो ने भी रेट हाई किया और आपको क्लियरली ये दिखा रहा है 2.5% तेज है भारती एयरटेल का स्टॉक। M&M लगभग 1% की तेजी, M&M कई दिनों से कई हफ्तों से फोकस में है, कैपेक्स प्लान्स भी इन्होंने अनाउंस किए, कल भी आपने पूरे ऑटो स्पेस को एक रेजिलियंस एटीट्यूड दिखाया और आज भी आपको ये स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको NTPC, फिर से आपको पावर और पावर जनरेशन के स्टॉक्स थोड़े से अब फिर से बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहा है। मेटल पैक से आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर्स भी थोड़े यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार मिड कैप स्पेस में भी देख लें, मार्केट थोड़ी रिकवर तो हुई है। अब आप निफ्टी पर सिर्फ 20 पॉइंट्स का डेंट देख रहे हैं, विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लगभग 22 के नीचे है अभी, लेकिन 21 के अभी ऊपर है, तो 20 के जब तक ऊपर है फियर सेंटिमेंट बाजार में हावी है। लेकिन देख लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स इस पर क्या व्यू बना रहे हैं। तो सेक्टोरिकली अगर आप बोलें तो बड़े ड्रैगर्स जो आपको अब भी आपको आईटी से दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जी, FMCG, इंफ्रा, फार्मा, सो थोड़ा सा डिफेंसिव कंजम्पशन स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक ये बाजार को सहारा दे रहे हैं। मेटल पैक वो लगभग 1% की या लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। डिम्पी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या ये बाउंस बैक जो थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है इस वक्त किस तरह से शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, शॉर्ट कवरिंग अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन हाँ एक राइडर मैं आपको बता देता हूँ, आज का बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, एक बहुत ही नोटिस होता है, अजीत इस चीज को जानते हैं कि वरुण और खुश भी जानते होंगे। आज का ओपन और आज का लो निफ्टी का सेम है, यानी कि निफ्टी ने आज ओपनिंग और आज का लो एक साथ बना दी, जिस लेवल की है वो है 15674। अब जब तक हम 674 के नीचे नहीं जाएंगे आज का मार्केट का लो कैप हो गया, क्योंकि ये ओपन प्राइस इक्वल टू लो हो गया। तो ये पहला पॉइंट है जो नोटिस किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट एक बार अपनी स्क्रीन पर जरा इंडिया विक्स दिखाइए आप, कल 22 का विक्स था, विक्स थोड़ा सा स्लाइड किया है। इससे पहले जो मैंने आपको एक शुभ आंकड़ा बताया था वो था रुपी का, कि आज 3 पैसे बकायदा मजबूत है। तो इसलिए शुरुआती जो आप अभी कह रहे ना कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है, मैं इसमें तो थोड़ा जल्दबाजी है कहना कि शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि डैमेज इतना ज्यादा है कि कंट्रोल करने करने में 300 पॉइंट का आपको पता भी चलेगा। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि बाजार ने आज जिस तरीके लेवल्स को शुरुआत में एडजस्ट कर रखा है, कम से कम पहले 3 से 4 मिनट, ये काबिले तारीफ है। रिलायंस के अंदर मेजर कट नहीं आ रहा, आज नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होगी, एक तो टैरिफ वाला मामला भी है और दूसरा रिलायंस की अपनी वेटेज है, ये भी अपनी शॉर्ट टर्म करेक्शन को वापस से पूरा कर चुका है। मैं जल्दी से कुछ एक और शेयर्स पे आ जाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे कुछ आपको बस दिखेगा वापस से। आप अरबिंदो फार्मा देखिए, 2 से 2.5% ऊपर है,
आप कल्पत्रु पावर देखिएगा, यहाँ से करीब 2 से 2.5% ऊपर है। इस तरह के मार्केट फॉल के अंदर ये शेयर कुछ ऊपर आ रहे हैं, भारतीय एयरटेल जिसपे रब ऑफ इफेक्ट आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के टैरिफ हाइक का, वो आज करीब 1.25% ऊपर है। डेल्टा कॉप एफ एंड बैन में है तो 2.5% ऊपर आ गया है, क्योंकि इसमें नए शॉर्ट्स आप कर नहीं सकते, आपको कवरिंग करनी ही होगी। इसके अलावा एक और शेयर है आरबीएल बैंक, कल बहुत तेजी से टूटा था, एफ एंड बैन में आ गया, ये 3% ऊपर है। अजीत जरा इन्हीं से शुरू कीजिए, दोनों एफ एंड बैन वाले शेयर है, डेल्टा और आरबीएल, दोनों के अंदर अब शॉर्ट्स तो बनेंगे नहीं ताजा, जो है सिस्टम के अंदर से एडजस्ट।